कोटेदार भाइयों नमस्कार, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रही है, लेकिन वीडियो बहुत ही झकास आ रही है। जी हाँ, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि 1 तारीख को पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, उससे पहले हम आप लोगों को ये वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊँगा कि हम लोगों को किस किस का साथ मिल रहा है हमारे मानदेय को लेकर के। अब दोस्तों, मानदेय मिलने से कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, वो सरकार हो या मंत्री है या कुछ भी हो, ए टू जेड कोई भी हो, अब हम लोगों को मानदेय मिलने से कोई बंदा रोक नहीं सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, बिल्कुल लाइव करके दिखाता हूँ कि आखिर हम लोग इतना स्वतंत्र होकर कैसे कह सकते हैं कि अब हमारी मानदेय मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ देखिएगा, हमने अपने मोबाइल के वीडियो स्क्रीन को ऑन किया है। इसी के जरिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा और बताने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को एंड यानी कि आखिरी तक पूरा देखें, और जो लोग वीडियो पर नए हैं वो लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह से वीडियो इस चैनल पर मिलती रहती है। तो सिंपली दोस्तों, मैं YouTube से नहीं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि YouTube से तमाम तरह की न्यूज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, ज़्यादातर फर्जी वीडियो। यहाँ देखिए तो दोस्तों, मैं पूरी वीडियो को काटता हूँ, उसके बाद में यहाँ दोस्तों आप लोगों के पास अगर न्यूज हंट एप्लीकेशन है तो उसे आप लोग खोल लीजिए। जैसे मैं इस चीज़ को खोल के यहाँ आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसे दोस्तों न्यूज हंट खुलता है, उसके बाद आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस खुल कर के आएगा। पूरी मैं दोस्तों शुरू से आखिरी तक आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। जैसे दोस्तों आप लोग न्यूज हंट को खोलेंगे तो आप सामने इस तरह सा इंटरफेस खुल कर के आएगा, यहाँ तक कि सारे न्यूज़ आप लोगों के सामने आएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिएगा, सर्च बार वाले टैब पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ आप लोगों के सामने एक इस तरह का इंटरफेस खुल करके आएगा, जिस पे आप लोग लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ सिंपली आप लोग लिखिएगा कोटेदार मानदेय, जैसे हमने इस तरह से लिख दिया है। यहाँ जैसे आप लोग लिखेंगे, इसको आप लोगों को सर्च कर लेनी है। जैसे आप लोग सर्च करेंगे दोस्तों, तो ये मज़ेदार खबर आप लोगों के सामने निकल कर के आएगा। यहाँ देखिएगा दोस्तों, 12 घंटे पहले किसी भाई ने पोस्ट किया है कि कोटेदार ने मानदेय बढ़ाने को सौंपा ज्ञापन। उसके बाद यहाँ दोस्तों फिर देखिएगा, लाभांश मानदेय को लेकर कोटेदारों ने प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन, कोटेदार संघ ने मानदेय बढ़ाने को सौंपा ज्ञापन। यहाँ देखिए दोस्तों, बस्ती न्यूज, तो क्या अब बस्ती में नहीं मिलेगा मुफ्त राशन, जाने उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन ने क्या कहा। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिएगा, कोटेदारों ने लाभांश बढ़ाने को SDM को सौंपा ज्ञापन, राशन डीलर संघ तहसील किया ने क्या प्रदर्शन। यानी कि दोस्तों, जितने भी आप लोग स्क्रोल अप या स्क्रोल डाउन करेंगे, ए टू जेड हम लोगों की खबर यहाँ पर शो करेगी और दिखाई देगी। कहने का मतलब यह है दोस्तों, पूरी मीडिया आप लोगों के समर्थन में है। अब आप लोगों को हार मानने की ज़रूरत नहीं, आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन पर देने का काम करें, और 1 तारीख को तो बिल्कुल धरना प्रदर्शन देने का काम करें, दुकान बंद करने का काम करें, और इसी तरह से दोस्तों हम लोगों को जीत मिलने वाली है। वीडियो से कहां तक सहमत हैं दोस्तों, कमेंट करके बताएं, और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, ये चैनल आपका है। और एक शेयर तो आप लोग ज़रूर करें उन कोटेदारों के पास जो घर में दुब करके बैठे हैं और केवल मानदेय की लड़ाई लड़ रहे हैं घर में बैठ करके। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह का खबर और न्यूज़ देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।